बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं सलमा डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया और उसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब नेक की जो है विथ वो हम रखेंगे 3.5 इंच और उसकी लेंथ जो है वो हम रखेंगे 7 इंच। और उसके बाद अब हम इन निशानों को जो है वो आपस में मिला लेते हैं, सीधी लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसके बाद नेक को जो है वो इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और उसके बाद यहाँ से नीचे नेक से नीचे हम लेंगे 1.5 इंच और उस पर निशान लगाते जाएंगे ऐसे ही। और अब हम इन निशानों को जो है वो पहले मिला लेते हैं और उसके बाद अब इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरा आज का ये नेक का जो डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि जो मेरा वॉच टाइम कम है वो कम्प्लीट हो जाए। तो नेक की कटिंग हो गई है और उसके बाद अब इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। तो फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर दिया और उसके बाद अब इसके छोटे छोटे हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको जो है वो फोल्ड कर लेते हैं, इनके ऊपर स्टिच सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ ये सिलाई लगाने के बाद अब हम जो है इसका सेंटर करेंगे नेक का, और इसके सेंटर में जो है इस तरह से तय लगाते हुए इसको कट लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया, उसको सीधा रखा और उसके ऊपर जो है तो नेक को रखते हुए इसके सेंटर में सीधी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरी तरफ से भी ये सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो सिलाई लगा ली और उसके बाद इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि नेक को जो है अच्छी तरह से पलट सकें। तो यहाँ पे जो है कट कर लगा लिया और उसके बाद पलटने के बाद अब हम इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई लगा ली और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया और उसको नेक के सेंटर में रखते हुए अब हम इसके जो है बिल्कुल नेक के साइज़ का निशान लगा लेंगे इस तरह से, ताकि इस पे हम जो है वो डिज़ाइन अच्छा सा बना सकें। तो इसके बाहर से जो है वो पेपर को कटिंग कर देते हैं 1 इंच रखते हुए। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे हम नेक के अंदर वाली साइड पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब इन निशानों को जो है वो मिला लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डोरी है वो मैंने पहले से रेडी कर ली थी और अब इन तीन डोरियों को हम आपस में मिलाएंगे इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ, और इस तरह से इसको जो है फोल्ड करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे, इनके लूप्स बना लेते हैं। और अब इसके सेंटर में इस तरह से सुई को जो है वो 6 डोरियां जो आपस में बनी हैं उनके अंदर से निकालेंगे और दूसरी तरफ से इसको खींच के फिर से हम एक बार इसमें से सुई को निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो मज़बूत कर लेंगे और टांका लगा लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही हम सारे लूप्स जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो अब इसके नीचे से जो है वो कटिंग कर देंगे।
तो ये लूप्स जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको नेक के ऊपर स्टिच कर लेते हैं। ये जो हमने पेपर नेक ट्रेस किया है बिल्कुल इस दोनों लाइनों को हम फॉलो करेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो यहाँ पर ये नेक का ये जो हमने अंदर से डिज़ाइन है वो स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने उरेब पट्टी लिया और उसको डबल फोल्ड कर लिया और उसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिया और उसके बाद अब हम इसका ये धागा जो है वो कट कर लेते हैं और बिल्कुल नेक के किनारे पे जो है इस पट्टी को हम लगा लेंगे बहुत ही सफाई के साथ। तो एक साइड की जो किनारे की है वो सिलाई हमने लगा ली है और अब हम धागे को कट करेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल खूबसूरती के साथ। एक सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये वाली जो है इसमें पहले सिलाई जो लगाई थी इसको फोल्ड करने के लिए उसको निकाल दिया और उसके बाद अब हमने ये जो नेक के साइड पे सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर हम ये वाली पट्टी जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं इसके किनारे की। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये जो इसमें सेंटर में सिलाई लगी हुई है उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसको इसके सेंटर में रखेंगे। और इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे ये जो नेक की है वो सिलाई लगा ली है। और अब हम इसका जो पेपर है वो रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो जो है सुई धागा ले लिया है और उसके साथ अब हम इसके सेंटर में जो है ये पर्ल जो है वो हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो ऐसे ही सारे नेक में ये पर्ल जो है वो स्टिच कर लेते हैं सूई धागे की मदद से। तो यहाँ पे ये मैंने मोती वो पर्ल जो है वो इनमें स्टिच कर लिए हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत और सटाले सा नेक का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है।
तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मेरी आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें और जो मेरे चैनल पर सारी वीडियो हैं उनको प्लीज़ एक एक बार ज़रूर देखें और मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको वहाँ पर दामन, नेक स्लीव और ट्राउज़र के बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन है वो आप देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।